Very good evening to everybody present here. Welcome to the channel Learn English with Sita. How are you all, friends? So, I hope you must be having some good times. Okay, so today we are here to discuss the word called etymology. So, what is etymology? First of all, we will discuss what is etymology, and after that, we are going to proceed for some wonderful etymons, and that you are going to cherish. But before that, my dear friends, please like and share the video so that more people join in and we have more discussion, right? Before that, one more important aspect that our phone number is 96483 and 96483. यू नो दोज ऑफ यू हुट टू गेट कनेक्टेड विद अस यू कैन सेंड इन योर व्हाट्सएप रिक्वेस्ट इसमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा सिम्पल मैसेज बहुत भेजिएगा और हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना जेंडर लिख के हमें भेजना है और हम आपको ऐड करेंगे ग्रुप में चैटिंग अलाउड नहीं है हम जो भी मटेरियल भेजेंगे डे बाई डे आपको मिलता रहेगा ठीक है थीके? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ कि हमारा वेबिनार भी है और वेबिनार हमारा कब है आपको मालूम है संडे को है इसी सन्डे को है और इस वेबीनार में हम पाँच बजे जूम में सर आपको वेबिनार लेंगे एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किल टू अबाउट फाइव इम्पोर्टेंट इफ़ेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश यू नो इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज तो उसको सीखना तो बनता है और दोस्तों आगे चल के हम आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप अपना नाम सिटी जेंडर लिख के और ये लिख के प्लीज़ सेंड द लिंक लिख दीजिएगा और हम आपको भेज देंगे इसका लिंक ठीक है चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और लाइक और शेयर आपने कर ही दिया होगा अब हमारी क्लास में सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एटीमोलॉजी अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हो ये एटीमोलॉजी नहीं होता इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में है तो प्रोनंसिएशन पे भी जोर दिया जाएगा इसीलिए इसको बोला जाता है एटीमोलॉजी तो एटीमोलॉजी होता क्या है एटीमोलॉजी दो शब्दों से मिल बना है एंड दीज टू वर्ड्स आर एटीमोन एंड अनदर वर्ड इज लजी यू नो लजी हैज़ गॉट डिफरेंट मीनिंग्स लेकिन हम आज आपको जो बताएंगे वो एक ही दो मीनिंग्स बताएंगे इसके ठीक है एथीमॉन का मतलब होता है रूट रूट मीन्स जड़ एंड लजी मीन्स स्टडी सो वॉट इज इट रूट और ओरिजिन हम इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं सो वी कैन से दैट एथीमोलॉजी इज अ टेक्निक एथीमोलॉजी इज एक्चुअली एन स्टडी ऑफ

उसका कोई ना कोई जड़ होती है उसकी कोई उत्पत्ति होती है कि वो शब्द बना कहाँ से है तो एटीमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है इंग्लिश की जो इस स्टडी में डील करती है किस स्टडी में रूट्स और उसकी स्टडी में कि कोई भी शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो वो कहाँ से बना है ठीक है अब अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि एटीमोलॉजी के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं ये अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं क्लियर करती हूँ एथीमोलॉजी के अंदर हम दो तीन एस्पेक्ट्स को देखते हैं देखिए जब हम कोई वर्ड बोलते हैं ना तो वर्ड के कुछ पार्ट्स होते हैं हम उन पार्ट्स को हम ऐसे समझते हैं अफिक्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अफिक्सेस क्या होते हैं तो याद रखिए अफिक्सेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं वन इज प्रिफिक्स एंड अनदर इज सफिक्स तो कोई मुझे बताएगा प्रिफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स एंड वॉट इज मीनिंग ऑफ तो एक तरफ आ गया प्रस मीस जो पहले शब्द लगेगा एंड सफिक्स में सफ मीन इट एज कम फ्रॉम सब सब के दो मतलब होते हैं सब का एक मतलब होता है वन इज Under. Under means, किसी चीज के अंडर होना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सब वे तो जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं एक तो प्लेटफॉर्म होता है और एक प्लेटफॉर्म के जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऊपर होता है और एक एक ऐसा रास्ता होता है जो अंडरग्राउंड जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाला जो रास्ता होता है उसी रास्ते को बोला जाता है सबवे क्योंकि सब का एक मतलब क्या होता है अंडर और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सबसे बनने वाला कोई और वर्ड बताइए जो अंदर चलता है किसी चीज के जल्दी से मुझे बताइए मैं आपका वेट कर रही हूं okay? तो याद रखिए अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड की पहले कुछ लगा होता है बीच में जड़ होगी और लास्ट में भी कुछ सफिक्स लगे होंगे ठीक है जैसे कि मैं आपको एक वर्ड देती हूँ प्रिडिक्ट तो देखो प्रिडिक्ट में कितना या प्रिडिक्शन आप इसको ऐसे समझो प्रीम बिफोर ठीक है डिक्ट का मतलब क्या होता है बोलना टू स्पीक ये देखो आपको एक रूट मिल गई डिक्ट और टी आई ओ एन जो होता है इसको बोला जाता है नाउन सफिक्स वॉट इज दिस कॉल्ड एज नाउन से आज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रूट से हो गया होगा सबसे बनने वाले बहुत सारे वर्ड है आई होप यू मस्ट गि यान सबिनेट कितना अच्छा वर्ड है सब मीन अंडर ऑर्डिनेट में ऑर्डर आ रहा है देखो आप शब्दों के ऐसे समझेंगे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो ऑर्डर जो किसी के ऑर्डर्स को माने उसके अंडर काम करे सब ऑर्डिनेट कितना अच्छा वर्ड है और सबसे बनने वाले आप वर्ड्स बता रहे हैं सब मरीन मरीन मतलब वाटर अब देखो मैं जब मरीन बोलूँगी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अगर मैं मरीन बोलूँगी तो दैट मीन्स इट मीन्स वाटर तो वाटर की दो और ओरिजन्स होती है आप ये याद रखिए द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ वाटर इज एक्वा का मतलब भी क्या होता है वाटर और हाइड्रो हाइड्रो ऑल्सो मीनस वाटर तो याद रखिए जहां भी आपको मरीन एक्वा हाइड्रो मिलेगा इसका मतलब होगा वाटर जरा जल्दी जल्दी शब्द लिखिए इनके क्या क्या हो सकते हैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोजन Then we have से बनने वाले वर्ड एक्वेरियम जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है जिस बॉक्स के अंदर उसको क्या बोला जाता है एक मरीन से, आपके आपके से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं मरीन इंजीनियरिंग इज देर अब तो इंजीनियरिंग में भी एक ब्रांच है पूरी मरीन इंजीनियरिंग की तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कोई शब्द मिलता है तो आप उस जितना भी बड़ा शब्द मिले आप परेशान मत होइएगा उसकी जड़ को तलाशिए और जड़ को जब आप ढूंढ लेंगे तो आपको वर्ड के मीनिंग्स अपने आप निकल के आएंगे अब आ जाओ शुरू करते हैं अब अपनी क्लास राइट right? आज जो हमारी पहला रूट है वो रूट है हमारा गुड तो गुड मीन्स अच्छा तो गुड के कुछ रूट्स बताएंगे आप लोग जरा गुड मीन्स अच्छा अच्छा मीन बहुत अच्छा ठीक ठाक तो इसकी रूट्स बताइए जल्दी से वॉट इज इट सो गुड के दो तीन अब आप लोग ये नोट करके रखिएगा की पहली रूट है you. <coughs> Sorry, friends. You. You भी, जहां भी आता है इसको बोला जाता है गुड अब दूसरा रूट देखो सेकेंड रूट ऑफ गुड बेनी या एंड थर्ड रूट ऑफ गुड इज बॉन ये तीन वर्ड्स आपको कहीं भी मिले शुरू में मिले बीच में मिले लास्ट में मिले ये वर्ड्स का मतलब ही होता है अच्छा गुड तो जरा यू से बनने वाले कुछ वर्ड्स आप मुझे बताएंगे कैन आई सी द चैटो आई जस्ट हैव अ लुक ऑन द चैट पहले मैं भी आपको कुछ वर्ड्स दे दूँ यू से बनने वाले वर्ड्स या सो so, मेरा पहला वर्ड यू से बनने वाला है यूनिज बोलिएगा साथ साथ ये नहीं कि आपने बस सुनना है वट इज़ द फर्स्ट वर्ड यूफनजम फिर से बोल के देखिए यूफनिज्म अब आपको इसमें देखिए एक्चुअली एटीमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कुछ भी छुएंगे उसमें हर वर्ड में रूट्स निकलती आएंगी, और वो हमें एक जगह से कई जगह ले जाए डाइवर्सिफाई कर देगी अब मैं डाइवर्स भी बोल रही हूँ सो इट वुड बी मीन्स कि मैं अलग अलग तरीके से बात कर रही हूँ राइट right? डाई मींस दो वर्स मींस बोलना सो डाई वर्स सो वी हैव इट या सो यूफेनिज्म द वर्ड यूफेनिज्म ओके यूफे राइट सॉरी सो यू मींस गुड अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि यूफेज का मतलब क्या है यूफेनिज्म का मतलब होता है टू स्पीक सम थिंग दैट इज़ नॉट वेरी गुड उसको अच्छे ढंग से पेश करना किसी जो जो चीज़ ऐसी है जो आ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कहने में शोभा नहीं देती है तो उसको बेहतर शब्दों के साथ कहना उसी को बोला जाता है यूफेमिज़म जैसे कि आ, पहला एक वर्ड है हम लोग कहते हैं ना ओल्ड मैन तो जो ओल्ड मैन नहीं कहना है तो हम क्या बोलेंगे ही इज अ सीनियर सिटीजन सो आई मेट अ सीनियर सिटीजन सो रिमेंबर वन थिंग किसी भी uh, थोड़े ऑब्जेक्शनेबल या थोड़ी सी खराब चीज़ को अनप्लेजेंट चीज़ को थोड़े अच्छे शब्दों में कहने को बोला जाता है यूफेमिज्म राइट सेकेंड वर्ड आपको देखिए इसमें यू समझ में आया ना तो यू मीन्स गुड तो वी कैन से एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्शनेबल टू बी सेट इन अ बेटर मैनर इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म. सेकेंड वर्ड इज यूफनी. राइट आई एम राइटिंग हियर द वर्ड्स ओके सो माय सेकेंड वर्ड इज यूफनी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफनी. आप बताइए यू का मतलब क्या है गुड यहाँ पे फोन आया फोन मीन्स साउंड अभी हम इस पर भी बात करेंगे ठीक है इसको भी हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं सो अच्छी आवाज अच्छी आवाज को क्या बोला जाता है यूफनी तो जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं जो आपको कानों को अच्छा लगता है तो इससे हम एक एडजेक्टिव बना सकते हैं सो द म्यूजिक वॉज यूफोनियस या में इस कानों को सुनने में बहुत मधुर लग रहा था अच्छा लग रहा था तो किसी की आवाज जब अच्छी होती है तो हम कह सकते हैं ओ वाओ दिस सॉन्ग इज यूफोनियस ओ यू एस लगा के एडजेक्टिव बना दिया ओके सो यू फनी अगेन विद यू वी हैव सम मोर वर्ड्स एंड वन वेरी गुड वर्ड इज यू फोरिया सो आई एम राइटिंग इट हियर आई होप इट इज कमिंग इन द पिक्चर फ्रेम या सो वर्ड इज यू फोरिया Now remember one thing. What is euphoria? Again, you see the word 'eu' means good, and 'phoria' means feeling. So अच्छे feeling, feeling of extreme happiness you can say. You know, feeling of extreme happiness, feeling of extreme joy. जिसके लिए हमारा बहुत अच्छा word है ecstasy, परमानन्त है ना? तो उसके लिए ये word है euphoria. शरीक होता है लेकिन ये it is momentary, कुछ समय के लिए होता है. So that feeling ऑफ एक्साइटमेंट एक्सट्रीम जॉय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सट्रीम जॉय इज कॉल्ड एज यूफोरिया दीज आर सम वंडरफुल वर्ड्स दैट यू शुड रिमेंबर यू नो सो ही यूफोरिक इससे हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बना सकते हैं ओके जैसे वी हैव यूफोनी सो वी हैव यूफोनीज एडजेक्टिव बन गया आपका या सो दिस इज़ अबाउट यू यू से एक और बहुत अच्छा वर्ड बनता है और वो बताइए क्या है आप मुझे बताइए और कौन सा वर्ड आपको यू से याद आ रहा है मुझे लग रहा है सर ने भी आपको ये कराया है या एंड यू हैव टू टेल मी वन मोर वर्ड विद यू यू मीन्स गुड बट दैट वर्ड वर्ड इज़ नेगेटिव वर्ड जरूर है वो यू से अच्छा पर वो है नेगेटिव वर्ड जरा देख लें आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी कर लें या एंड प्लीज शेयर द वीडियो ओके लाइक like भी करिए और शेयर भी करिए वीडियो क्या बात है बहुत बढ़िया यूफोरिया नीता मिश्रा कौशिक द सॉन्ग वॉज यूफोनियस वेरी गुड इकरा वेरी नाइस मंदीप हाउ आर यू यू आर मेकिंग सम वंडरफुल वीडियोज आई रियली लाइक देम या वेरी गुड नीतू कौर ओके नो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर देखो कोई कोई भी चीज़ जब शुरू में हमने भी ये सीखने की कोशिश करी थी तो मुझे भी मुश्किल लगा था पर जब आप किसी काम को बार बार करते हैं और आप उसको करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं हर वो चीज़ जो मुश्किल लगती है वो फिर आसान हो जाती है करना शुरू करो ये मत सोचो कि डिफ़िकल्ट है या आसान है ओके रिमेंबर दैट वेरी गुड गुड इवनिंग उदय विश्वजीत यूरोप प्रवीना ओके यूल जी ईशा हाँ शांति जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया यूदनेजिया सो वट इज यूदनेजिया हर्ष वेरी गुड वेरी नाइस ओके सो वट इज यूदनेजिया या नो इट इज़ नॉटियन टास्क इट इज इट इज एक्चुअली अ केक वॉक टू लर्न अटीमोलॉजी इवन यू डोंट है वकैब ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ना इसमें आपको याद नहीं करना है कुछ भी इसमें सिर्फ आपको समझना है इज दैट क्लियर याद आई थिंक क्रैमिंग इज वेरी डिफिकल्ट अगर आप समझ लें तो एब्सल्यूट क्लियरेंस हो जाती है चीज़ों की सो इट इज़ नॉट एन ऑर्जियन टास्क इट्स नॉट एन इट इट इज नॉट एट अ हार्डर टू क्रैम एक्चुअली इट इज अक वॉक इफ यू थिंक इट्स अटूफ वॉकिंग टू लर्न एथीमोलॉजी आई थिंक यू आर रॉन्ग ओके सो रिमेंबर वन थिंग रूट याद करो और इससे याद करो जैसे कि इस आर्ट को पढ़ने का क्या फायदा है क्या फायदा है तो जरा फायदे से कोई वर्ड बताइए जल्दी बहने से जल्दी जल्दी बताते जाइए से कोई वर्ड बताइए से से सबसे पहला वर्ड जो देखो हमारे आम बोलचाल की भाषा में आता है बहने से बहने का मतलब भी अच्छा होता है वो होता है benefit. Do you remember this? मेरा क्या फायदा है इसमें वट इज माई बेनिफिट तो बेनिफिट मीन मैं कहा फिट हो रहा हूँ मेरे फायदे में मैं कहाँ फिट हूँ सो बेने फिट अब बेनिफिट आया तो बेनिफिट से और वर्ड्स बताओ बेनिफिशियल सो टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली इज बेनिफिशियल फॉर यू आपके लिए फायदेमंद है फायदा फायदेमंद आप हिंदी में भी तो देखिए ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल रहे हैं फायदा बेनिफिट फायदेमंद बेनिफिशियल है ना कितना मज़ेदार सो so, आपने तो इसमें सिर्फ याद ही याद ही नहीं करना डबल समझना ही है और बताओ बेने से कौन सा वर्ड बन सकता है एक और बहुत अच्छा बन सकता है वर्ड वो बन सकता है आपका बेने वोलेंट अब यहाँ पे थोड़ा आप फंस सकते हैं कि बेने वोलेंट का मतलब क्या होता है अब इसके में आपको एक वर्ड का तो मीनिंग पता है कि बेने का मतलब होता है अच्छा तो वोलेंट का वोल्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है फीलिंग तो अच्छी फीलिंग अच्छी फीलिंग होना या दयालु होना जब जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स होती है दूसरों के लिए दया होती है दूसरों के लिए दर्द होता है उसी व्यक्ति को बोला जाता है बेनेवोलेंट। मदर ट्रीजा वॉज बेनेवोलेंट। उन उनके दिल में दर्द था दूसरों के लिए और वो लोगों के लिए काम करती थी तो वो क्या थी शी बेने वोलेंट या अब जब बेने हमको याद आएगा Uh, uh, इस तरीके के लोग चैरिटेबल भी बहुत होते हैं चैरिटेबल का मतलब होता है दे आर एक्चुअली फिलानोपिस्ट यू नो दे लव पीपल एंड दे दे डोनेट थिंग्स दे गिव अ लॉट ऑफ थिंग इनफैक्ट दे सेक्रीफाइस देयर होल लाइफ तो बेने वोल अच्छी फीलिंग रखना किसी के लिए इज कॉल्ड एज बेने वन जिसको आप आ, जिसको आप बोलते हैं जेनरिस हम बोलते हैं ना बड़ा दयालु है ही इसको जेनरिस तो जेनरिस के साथ अगर मुझे याद आएगा तो मुझे मैगनैनिमस भी याद आएगा मैगना मीन्स बड़ा एनिमा मीन्स लाइफ अब देखो तुमने कहा ना बड़ा मुश्किल है मैम मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो गया कैसे क्योंकि मैग्नैनमस तो मैगना जहाँ भी आया बड़ा एनीमा मीन्स लाइफ तो जो अपनी जिंदगी में बड़े काम करे लोगों का मदद करे वो कैसा होता है दयालु व्यक्ति, magnanimous, ओके? Okay? So benevolent, beneficial. अब bene से एक और वर्ड मुझे याद आया, benediction. कितना बढ़िया वर्ड है. अब देखो इसको कैसे समझेंगे. Bene means good and dict का means होता है to speak. अभी हम इसको भी पढ़ेंगे dict को. So अच्छा बोलना जो आ, जब हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण होता है हवन होता है पूजा पाठ होता है हर धर्म में भगवान का नाम लिया जाता है ऊपर वाले के धन्यवाद किया जाता है तो उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी प्रीचिंग्स देना बा, अच्छी बात करना उसी को बोला जाता है बेने डिक्शन आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी इफ इट इज़ क्लियर राइट थम्स अप या बेने डिक्शन दिस इज़ अ वेरी गुड वर्ड दैट इज़ प्रेइंग फॉर द डिवाइन प्रोटेक्शन इट इज़ एक्चुअली प्रेइंग फॉर द डिवाइन प्रोटेक्शन डिवाइन का मतलब होता है ऊपर वाला या एंड देन वी हैव समोर वर्ड्स आप बेनिफिट से मैंने बताया था आपको बेनीफिशियर बेनीफैक्टर भी एक बहुत अच्छा वर्ड है या बेनीफिट एंड देन वी हैव बिनाइन दैट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड यू नो बिनाइन दैट्स ऑल्सो वंडरफुल वर्ड सो वट इज द मीनिंग ऑफ बिनाइन बिनाइन का मतलब क्या होता है बिनाइन ऑल्सो मीन्स काइंड कभी कभी आपको न्यूज पेपर कह रहे हैं वो जो शादी के कार्ड आते हैं हाँ उनमें कभी कभी यह आपको वर्ड मिलेगा योर बिनाइन प्रेजेंस बिनाइन प्रेजेंस का मतलब होता है कि आपका जो बहुत ही बड़ी अच्छी काइंड प्रेजेंस है आप आएंगे तो इट वुड बी वेरी जेनरस जेंटल जीनियल और काइंड ऑन योर पाथ या तो दिस इज कॉल्ड एस काइंड यहाँ पे देखो अच्छा बेने मीन्स गुड अब आ जाइए बॉन्ड पर बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है गुड होता है आप थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है राइट right? सो so बॉन से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बॉन से आसान वर्ड लेते हैं दैट इज बुनेजा है ना आप लोगों ने देखा होगा ना बुने सो बुनेजा का भी मतलब क्या होता है बुनेजा मींस वेयर रिच वेर यू यू गेट समथिंग या बिग यू बिग यू गेट समथिंग बिग जैसे शॉपिंग बुनेजा शॉपिंग कार्निवल अब जब मैं कार्निवल बोलूंगी तो कार्निवल में भी मुझे एक वर्ड याद आ गया कौन सा वर्ड याद आ गया कार्नल कार्नल का मतलब होता है फ्लैश मांस है ना इसीलिए जो जानवर मांस खाते हैं उन्हें बोला जाता है कारनी वरस यू नो एथीमोलॉजी ऐसा है कि मेरे फोल्डर खुलने शुरू हो जाएंगे फिर कारनी वरस कार्नी वल आपको सुनाई दे रहे हैं ये सारे वर्ड अब जब मुझे कार्नी वरस याद आएगा तो फिर मुझे एक और वर्ड याद आएगा वो होगा हरबी वरस हर्बल शैम्पू सुना है ना आपने हर्बल प्रोडक्ट्स तो वो हर्ब से आते हैं घास फूस या पेड़ पत्तियाँ तो दैट मीन्स हर्बल टी हर्बल टी भी तो यही सब है तो ये क्या है ये दीज आर एक्चुअली लर्निंग द रूट ऑफ द वर्ड एंड देन यू 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 नो यू अटैच दीज वर्ड्स विद योर डे टू डे लाइफ आप देखिएगा आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे ठीक है सो बुनेजा मीन्स व्हेन यू गेट समथिंग वेरी वेरी बिग या, एंड देन वी हैव अ वेरी गुड वर्ड वी हैव बोन जस्ट इसका बताइए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आप लोग मुझको बताइए जरा सब तक तो मैं आपकी चैट देखती या सो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस जल्दी से बताइए इट्स नॉट बोर्न होमी जल्दी जल्दी बताइए सो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन या वेरी गुड वेरी वेरी नाइस हा बोन फायर इज देयर बिल्कुल रचना तो वो जो भी देखिए बॉर्न फायर होली का दहन है या फिर जो भी आप धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक जगहों पे के लिए आप ये जलाते हैं ना तो ये सब बॉर्न फायर ही बोते हैं बहुत बढ़िया यस आकंक्षा हर्बी वरस जो जो जानवर प्लांट्स एंड ग्रास खाते हैं बहुत बढ़िया कान्नीस हरबी बरस वेरी गुड मंदी बहुत बढ़िया अब देखो तुम, तुम तुम अब जब इसी में से भी हम आपको कितना पढ़ाते जाएंगे ओमनी खुलेगा तो ओमनी से याद आ जाएगा अगर ओमनी वर्स है तो ओमनी शियंट हो जाएगा ओमनी शियंट मीन जो सब कुछ जानता है ओके सो वी हैव ऑमनिशियंट वेरी गुड मारुति की एक वैन आती है जो बच्चों को लेके जाती है वो भी क्या है ओमनी क्योंकि ओमनी मीन्स ऑल सब है ना बहुत बढ़िया हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बताइए बोना फायदे बहुत बढ़िया जिज्ञासा एक्सेलेंट दैट्स अ वेरी गुड वर्ड बोनो फाइडे अच्छी भावना रखने वाला बोना फाइडे ओके गुड सो इट्स प्रोनाशिएशन इज बोनमी वॉट इज द प्रोनौंसिएशन बोनमी तो इसको आप याद रखिएगा इसका प्रोनउंसिएशन बोन होमी नहीं है बोनमी bon एच खा के बोलो बोनोमी ओके एच इज साइलेंट डोंट स्पीक एच जस्ट से सा हल्का सा बोलेगा वेरी गुड बहुत बढ़िया ओमनी मीन सब कुछ जानना वेरी गुड वेरी गुड हाँ हाँ रेगुलरली हमारी इसी टाइम पे क्लास रहती है वेरी गुड सो आज वो हम इसको फटाफट अब करते हैं ठीक है ना क्योंकि और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो बोनमी होता क्या है बोनमी एक फीलिंग होती है कैसी फीलिंग होती है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो हु इज़ ऑलवेज चीयरफुल एनर्जेटिक यू नो तो यू यू कैन से कि जब भी मैं उसके पास जाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके पास जाके मुझे एनर्जी सी आती है क्यों एनर्जी सी आती है और अच्छा लगता है क्योंकि वो बढ़िया बंदा है यार बहुत बढ़िया बंदा है तो यू कैन से ही एक्ज्यूट्स बोनमी एंड एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं ही एक्जूट एनर्जी एंड देखो इसका प्रोनसिएशन जो है एनर्जी नहीं होता इस प्रोनंसिएशन इज एनर्जी एंड बोनमी या लिखेंगे बोनहमी लेकिन बोलेंगे बोनमी या एग्जूट का मतलब होता है एक्स अब देखो इसमें भी एक्स मिला एक्सपोर्ट होती है सामान एक्सपोर्ट होता है ना तो एक्सपोर्ट में क्या होता है हमारे देश से बाहर जाता है हमारे देश से बाहर जाता है तो जो बाहर जाता है बाहर जाना निकालना दिखाना दैट इज कॉल्ड एज एक्जूट तो मुझे कैसे पता चला कि उसको एक्स मिला कौन सी रूट मिली एक्स इसीलिए एक्स जब आप पिक्चर देख के निकलते हैं खत्म हो जाती है पिक्चर तो लास्ट में वहां पे क्या लिखा होता है ऐसे दैट इज एग्जिट एग्जिट मीन अब आप भाई साहब जाइए आपने पिक्चर देख ली तो

हाँ एक्सपेल में भी इकरा एक एक्स आ रहा है ना उसको निकाल दिया अच्छा आई फील बोनोमी वैन आई मेट विद माई बेस्टी आई फील आई फेल्ट मुझे कैसे पता चला यहाँ पे फेल्ट आएगा क्योंकि आपने सेकेंड वाले क्लॉज में जो वैन के बाद है नुजत उसमें आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी मेट सो आई फेल्ट बोनोमी वैन आई मेट माई बेस्टी That is the better way of saying, yeah. Yeah, I feel bonomi whenever I meet. अगर तुमने यहाँ पे feel ही लगाना है तो whenever वाले में change कर दो When I meet my, whenever I meet my bestie. ऐसे करके कह दो okay? So there are ways of saying things. Very good. हाँ बहुत अच्छा Excite की battery. Okay, ये भी सब आ गया Fine. Exterior, yeah. Exterior, interior. and all those things yeah okay executive okay expand exactly so many words are there okay let's uh, come back to our points very good biswajit is there anjali mishra how are you i know you miss zita a lot okay fine chalo let's move on so uh, we have one more word and that is bountious where is it yeah सो वी हैव एक और बड़ा अच्छा वर्ड है, यू नो इस ये भी बोलते हैं bon आपकी वयाज का मतलब होता है यात्रा है ना पुर पुराने जमाने में लोग जाते थे ना शिप से यात्रा करते हुए और उनकी यात्रा अच्छी रह टाटा बाय बाय को क्या बोलते हैं बो वो बोल के देखो इट इज नॉट बोन वो यू नो वी है बेकरी ऑल्सोर विद द नेम ऑफ बॉन बॉन अब इंडिया में हम इसको बॉन बॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नहीं लगेगा राइट सो हैव बॉन बॉन सो वी है एकदम से उछाल आना किसी चीज में कोई क्रॉप है कोई फसल है एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए तो दाउंस क्रॉप You know, बहुत ज्यादा जो उसकी बहुताए हो जाए सो वी है ये अच्छा भी है सो दैट इज कॉल्ड जो बहुत ज्यादा फले फूले जिसको बोला जाता है और बहुत अच्छा वर्ड है जो जो लोग लो जो जॉब करते हैं ना स्पेशली प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको दिवाली के ऊपर क्या मिलता है जरा जल्दी से मुझे बताओ वट डू दे गेट ऑन दजन ऑफ दीपावली उनके एम्प्लॉयर्स उनको देते हैं दे गेट समथिंग ऑन दिवाली और बी से शुरू होता है उसमें भी आता है हाँ लेट मी चेक ओके हाँ वो वो आर जिस अ फ्रेंच वर्ड ओके चलो ले ना, अब मुझे वो बताइए जो दिवाली पे मिलता है जिससे खुश हो जाते हैं सब लोग हाँ ग्रेट वेरी वेरी गुड सो मुझे बताइएगा व्हाट इज दैट डोंट वरी डोंट वरी ओके हाँ एग्जिबिट एग्जिबिट में एक्स और हिबिट दो रूट्स जिज्ञासा इसमें इन्वॉल्व हैं वेरी गुड हम्म हाँ वी गेट बोनस वेरी गुड सो देखो बोनस भी अच्छा होता है ना सो वी गेट बोनस हियर सो आई टेल यू ये अथीमोलॉजी जो है ना इसमें याद थोड़ी ना कुछ करना है बस वर्ड को देखना है और दिमाग लगाना है देखो बो आ गया अच्छा जो हमारे लिए अच्छा है वो क्या है बोनस बोनस एस ऐसे लगा लो अच, अस मींस हम और बोन मींस गुड तो जो हमारे लिए अच्छा है वो क्या हो गया बोनस मिल गया है ना सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एस इट्स अ बोनस फॉर यू हम वी से दैट इन आवर डे टू द लैंग्वेज यू नो

अच्छी आवाज अब देखो यू फनी यू मीन्स गुड फोन मीन्स साउंड अब चलो साउंड को पिक करते हैं इसमें से हम कुछ भी पिक कर सकते हैं बट लेट्स टू बी ऑन द एग्जैक्ट टॉपिक हम एक ही चीज को कवर करेंगे हम वी क्यूड गो बियॉन्ड दिस ऑल्सो बट देन इट विल कन्फ्यूज यू तो अभी लेट एस टेक वन एंड दैट इज साउंड हमने गुड लिया गुड की तीन ओरिजन्स हैं अब हम साउंड लेते हैं लेट इस ओरिजिन द वर्ड साउंड साउंड के कितनी ओरिजन्स हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं या साउंड हैज़ गॉट टू ओरिजन्स द फर्स्ट इज योर फोन जो मैंने आपको भी बताया था एंड द सेकेंड इज ऑडी या या ऑडी हम इसको ऑड भी कहते हैं राइट सो वी हैव द फर्स्ट वर्ड वेरी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो आई थिंक यू आर नॉट शेयरिंग टूडे आप आज शेयर नहीं कर रहे हैं उसको शेयर भी करिए प्लीज वेरी गुड गुरदीप जी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो हाँ चलो आ जाओ गुड यस अमरनाथ बोनस एंड गिफ्ट लेट्स मूव ऑन टू फोन तो फोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड जो हमको इसमें समझ में आएगा वो अपना वही आ गया यूफनी अच्छी आवाज को क्या बोलते हैं यूफनी अच्छी आवाज वाला यूफोनियस उसकी अच्छी आवाज है ही इज यूफोनियस राइट right? यूफनी के बाद जब हमें अच्छी के लिए यू मिला तो बताओ बैड के लिए क्या मिलेगा अगर अच्छी आवाज के लिए हमें यू मिला गुड तो इसी का ऑपोजिट हो जाता है कैको फनी बोल के देखो कैको फनी कैको मींस कांटे ऐसे समझ लीजिए कैक्टस होता है ना बस ऐसे याद रखना है आपने कैक्टस में क्या होता है इतने सारे कांटे होते हैं तो जो आवाज आपके कानों को चुभे द हॉन्ग यू नो सम पीपल दे हॉन्ग हॉक मीन्स हॉर्न बजाना या तो इट इज़ वेरी वेरी कैकोफनस आप जाइए एंड यू बी देयर ऑन रोड सम द ट्रैफिक साउंड्स दे आर कैक ऑफनस तो जो आप कानों को चुभे उसे बोला जाता है खराब आवाज दैट इज कॉल्ड एज कैको फोनस प्रिकिंग साउंड जो कानों में चुभे प्रिकिंग साउंड उसको बोला जाता है राइट लाउड एंड अनप्लेजेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अच्छा फ़ोन से एक और बहुत अच्छी चीज बनती है जो इंग्लिश में आपके बहुत काम आती है एंड दैट इज फिनेटिक यू you नो know, देखो फ़ोन आ गया ना इसमें सब में आपको फोन नज़र आएगा तो फनेटिक क्या होता है स्टडी ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फनेटिक्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टडी यू नो हम लोग तो बिकॉज uh, uh, हम लोगों के इंडिया में कुछ ही साउंडस हमें पढ़ाई जाती हैं हमारे स्कूल्स में लेकिन इसमें इट इज़ मार्वलस वेन यू स्टडी देम ना यू रियलाइज ओ माई गॉड द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस रियली एट वेरी गुड लेवल सो Phonetic means study of sounds. I am writing here, study of sounds of letters. You know, uh, whatever letters are there, whatever combination of letters are there, we study in this branch, and that is called as phonetic related to speech. We have another word, and with phone is uh, because a word is symphony. है ना सिम्फनी का कूलर सिम्फनी आपने सुना है ना तो सिम्फनी का मतलब सिम मीन सेम फोन मीन साउंड तो जब आप कोई ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं जब आप कोई गाना सुनते हैं और सबके एक एक साथ बढ़िया सी आवाज़ आती है वन यू यू आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल्स में पार्टिसिपेट करते थे ग्रुप सॉन्ग में तो ग्रुप सॉन्ग में क्या होता था सबको खड़ा कर दिया जाता था सब बच्चे गाते थे और कोई एक आवाज़ अगर गलत आती थी किसी ने भी गलत सुर में गाया तो उसको कहा जाता था भाई तुम ये वाला गाना मत गाना सबके साथ मेल नहीं खा रही तो सबके साथ मेल खाने के लिए बोला जाता है सिम्फनी शुड आई राइट इट हियर या सिम्फनी इट्स अ इट्सिफुल वन सिम सिम अब आ गया तो सिम के भी कई सिंप थी सिम से देखो क्या आ जाएगा सिंप सिम मीन सेम फोनी साउंड जबकि जब, जब सबकी आवाज सेम हो जाए एक सी आ जाए दैट इज कॉल्ड ए सिम्फनी राइट एंड सिम से और बहुत अच्छे वर्ड्स बनते हैं एक दो और वर्ड्स बताइए जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया सिंपथी और कोई वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो वो भी मुझे बताइएगा ठीक है फोन से और माइक्रोफोन ये देखो ये जो मैंने लगाया हुआ है वॉट इज दिस ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करके आप तक भेज रहा है ना तो माइक्रो छोटी छोटी माइक्रो मीन छोटा इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यू नो माइक्रो बायोलॉजी माइक्रोस्कोप देखो मैंने माइक्रो पकड़ा और माइक्रो से कितने सारे वर्ड्स बोल दिए कहने का मतलब यह है शब्दों को याद नहीं करना है एक रूट से जितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं उनका एक क्लस्टर बना लीजिए जैसे मैंने अभी माइक्रो से बनाया माइक्रोफोन माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी या एंड यू कैन माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने वर्ड्स मेरे दिमाग में समय आ रहे हैं मैंने लिख रही हूँ ऐसे आपने भी करना है अगर माइक्रो है तो माइक्रो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मैक्रो देखो कितना मजेदार है तो यू नो इट इज इट इज समथिंग दैट कैन बी ओनली प्रैक्टिस आप इसको किताबों में नहीं लिख सकते हैं ओके okay? अब आया मेरा मेन वर्ड इसके अंदर जब मैंने माइक्रोफोन बोला है या लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव रिटन माइक्रोफोन देन आई आल्सो हैव वन मोर वर्ड दैट इज टेलीफोन या व्हाट इज टेलीफोन अब टेलीफोन कैसे है फोन मीन्स साउंड टेली मीन डिस्टेंस जो दूर के आवाज़ों को सुना दे उसे क्या बोला जाता है टेलीफोन अब टेलीफोन जब याद आया तो मुझे एक और रूट याद आ गई कौन सी टेली। क्योंकि टेली का मतलब होता है दूर इसीलिए जब आप कभी कभी होता नहीं है कि आप और आपके दोस्त बैठे तो दूर दूर हैं लेकिन आप बोलना शुरू करते हैं तो वो भी वही बात बोलने लगता है तो आप कहते हो तो रही यही तो मैं सोच रहा था एकदम से सेम चीज़ सोचना दूर होकर भी सेम फीलिंग रखना दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड एज एज टेलीपैथी टेलीपैथी और टेली से बहुत सारे वर्ड्स हैं जरा आप मुझे फटाफट बताएंगे और क्या वर्ड हो सकते हैं यू नो इफ आई स्टार्ट टीचिंग दिस आपका ये पूरा पूरा एक या दो दो तीन तीन घंटे लग जाएंगे क्यों टेली से बनने वाले और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जैसे कि टेलीग्राफ टेलीफोन टेलीस्कोप तो, जब मैंने माइक्रोस्कोप बोला जो माइक्रोस्कोप होती है अब तो फिर मुझे स्कोप से एक और वर्ड याद आया था कौन सा वर्ड आया टेलीस्कोप जो दूर की चीजों को दिखा दे व्हाट इज दैट कॉल्ड एस टेलीस्कोपोप यो यू नो सो यू यू कैन नॉट जस्ट एग्रीगेटेड आप इसको अलग से नहीं पढ़ सकते ये बिल्कुल ऐसी आर्ट है कि जिसमें आपने एक वर्ड पकड़ा और उससे कई वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए खैर चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड इसी के अंदर आई गेव यू वन मोर बट मी चेक दिस या टेलीग्राफ टेली टेलीकास्ट ओके गुड टेलीविजन कितना बढ़िया वर्ड है भाई बहुत बढ़िया वर्ड शाबाश तो so, दूरदर्शन एक्चुअली वो ब्रांड बना दिया वैसे दूर के दर्शन जो करा है दैट इज दूरदर्शन दैट इज टेलीविजन वेरी गुड बहुत ही बढ़िया कीप इट अप ऑल ऑफ यू ग्रेट या या संगीता संगीता के या टेलीग्राफ बहुत टेलीग्राम या टेलीपैथी पल्लवी द्विवेदी गुड इवनिंग टू यू आल्सो ग्रेट सो लेट्स मूव ऑन हाँ बायो भी मिलता है बहुत बढ़िया बहुत सारे यू नो कमाल की है ये टेली कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रंजीत दे वेरी नाइस सो लेट टेक ऑडी नाउ है ना तो ऑडी से सबसे आसान वर्ड जो बनता है वो बनता है ऑडिबल अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आई एम ऑडिबल अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो इनऑडिबल ऑडिबल मीन्स जिसको सुना जा सके इनऑडिबल मीन्स जिसको सुना नहीं जा सकता राइट right? तो इनसे बनने वाले बहुत से वर्ड्स हो जाते हैं इनएप्रोप्रिएट या देखो मैं आपको वो चीज बता रही हूँ अगर आपने अगर ऑडेबल लिखा है तो आप इसके साथ इसका भाई भी लिखिए एंड इज इनऑडेबल अब अगर आपने इनऑडेबल लिखा है तो इनसे इनसे बनने वाले कई वर्ड्स लिख दीजिए यू नो आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इनसे बनने वाले आप लिख सकते हैं इसको है ना इनविजल मिस्टर इंडिया क्या थे इन विजिबल अब देखो विजन आ जाएगा हम इसको भी करेंगे अभी ठीक है विजन वाले को भी करेंगे आप याद रखिएगा मुझे याद दिला दीजिएगा मैं अलग से लिख रही हूँ इसको टेलीविजन था <coughs> दूर की चीजें दिखाने वाला टेलीविजन देन वी हैव अगेन इन विजिबल तो विजिबल में विजन सुनाई दे रहा है आपको तो विजन मीन्स दृष्टि यू नो टू सी समथिंग सो वी हैव वंडरफुल वर्ड्स सो इनऑडिबल इनविजिबल इनविंसिबल इनकॉरिजिबल अब इनसे बनने वाले देखो कितने सारे वर्ड्स आ गए yeah? जीता ना जा सके देन वी है इनकॉरिजिबल इनकॉरिजिबल में देखो कितने सारे वर्ड्स आ गए सॉरी करेक्ट आ गया तो जिसको सुधारा ना जा सके इनकॉरिजिबल तो अगर आपने अपने छोटे भाई बहन को या दोस्त को कहना यार मैं तेरा कुछ नहीं हो सकता तो तुझे तो कोई नहीं सुधार सकता तो तू तो कुछ नहीं तू तो ऐसे ही रहेगा तो वी से यू आर इनकरेजेबल बोल के देखो पहले ये वर्ड आपने बोलना है इनकरेजेबल अब इन से बनने वाले और वर्ड्स देखो इनविजिबल अगर इनऑडिबल है तो क्या है इनविजिबल भी है अगर इनकरेजेबल है तो इंडेलिबल भी है यू you नो know, अब ये मेरा इन वाला फोल्डर खुला है अब इन वाला खुला है, वाला खुला है तो इम वाला भी खुलेगा इन वाला भी खुलेगा कहने का मतलब है कि दिस एथीमोलॉजी इज सच वास्ट ब्रांच इतनी अच्छी है ये कि आप इसमें बस करते जाइए डूबते जाइए करते जाइए डूबते जाइए और अपनी कैप को मल्टीप्लाई करिए जोमेट्रिकली नहीं एक्सपोनशियली मल्टीप्लाई होगा ये समझ लीजिए ये इतनी बढ़िया ब्रांच है इसमें बस थोड़ा सा थोड़ा सा शुरू में मेहनत करनी होगी बट वंस यू लर्न इट इट्स उंड सेकेंड वर्ड इसी में ऑडी से देखो एक और वर्ड आया ऑडिटोरियम अब आप देखिए कितना बढ़िया वर्ड है ऑडी मीन साउंड रियम मीन जगहोरियम तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे उसे क्या बोलेंगे ऑडिटोरियम अब जब ऑडिटोरियम आया तो रियम से और बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे जैसे एक्वेरियम मछलियों को कहाँ रखा जाता है पानी के उसमें तो जो जहां पे आप जलीय जानवरों को आर्टिफिशियली देखते हैं, एक्वेरियम अब जब मुझे एक्वेरियम याद आएगा मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ प्लीज हाँ अलग से लिख रही हूँ अगर मुझे एक्वेरियम याद आएगा यू you नो know, अभी मैंने आपको बताया था ना रिमेंबर एक्वेरियम तो रियम से मुझे एक और वर्ड याद प्लानिटोरियमो प्लानिटोरियम you know, में भी क्या है प्लानिट्स नक्षत्रालय है ना नक्षत्रालय में क्या होता है ऐसी जगह जहां पे हम नक्षत्रों को देखते हैं प्लानिटोरियम और देखो रियम से क्रिमिटोरियम सर ने शायद ये कराया था आपको तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये रियम वाला फोल्डर खोलेंगे तो देखिए ये सारे वर्ड्स आ गए आपको मैं पता नहीं कितने वर्ड्स अभी तक दे चुकी हूँ क्यों क्योंकि मुझे मालूम है ये आर्ट ऐसी है कि जिसमें आपने करना कुछ नहीं है बस पहले समझना है उसके बाद फटाफट उसको एप्लीकेशन करना है सो so अब मुझे अगर ऑडियो से ऑडिटोरियम मिला तो ऑडियो से मुझे और बहुत अच्छा वर्ड मिलेगा भाई जो लोग गाने वाले हैं वो अपने किसके लिए जाते हैं ऑडिशन के लिए जाते हैं ना आपको ऑडिशन है तो ऑडिशन मीन्स आपको सुनना है और सुनो अगर और आपने देखना है देन वी हैव अ ऑडियो मीटर है ना एंड देन ऑडियो मेट्रिक क्या है जो साउंड्स की स्टडी जो जैसे जो बच्चे शायद बोलने में या सुनने में दिक्कत होती है वी हैव ऑडियो मेट्रिक इसीलिए ऑडियो मेट्रिस्ट जो साउंड्स को जो स्टडी करता है आ, उसको बोला जाता है ऑडियो मेट्रिस्ट यू गेटिंग इट्स एट द ब्यूटी ऑफ दिस आर्ट कि आपको यहीं पे कितने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं जबकि अभी मैंने अपना पूरा पूरा करा नहीं है इसके अंदर यू नो इफ वी स्टार्ट डूइंग इट पूरी क्लास ही हमारी बड़ी देर की हो जाएगी ना लेट्स जस्ट सी गुड हाँ ऑडियंस इज देयर अच्छा और इनकॉरिजिबल का मतलब होता है करेक्ट मीन्स सही इन मीन्स नहीं तो जिसको सही नहीं किया जा सके जिस व्यक्ति को सुधारा ना जा सके उसको बोला जाता है इनकॉरिजिबल हाँ ऑडियो विजुअल में दोनों आ गए ऑडियो भी आ गया और विजन भी आ गया उदय बहुत अच्छा वेरी गुड नियाज ऑडियंस ग्रेट हाँ ग्रेट अच्छा प्लानिटोरियम इज योर फेवरेट प्लेस या यू नो प्लैनेट्स आर वंडरफुल हमें भी बहुत अच्छा लगता है गैलेक्सी के बारे में और आकाश की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना आई लव दैट समटाइम्स आई वॉच वीडियोस ऑन यू नो नासा एंड ऑल दोज वीडियोस मुझे अच्छा लगता है वो सब वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ सो यू नो यू कैन हैव अ वंडरफुल वे ऑफ स्टडिंग सो विजन वाला हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम कराते हैं ठीक है कुछ कुछ अब हम अगली बार कराएंगे क्योंकि uh, मुझे लगता है कि वी कैन हैव अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस और अगली बार एक रूट से बहुत सारी रूट्स निकालना भी हम आपको सिखाएंगे कि जैसे मैंने आज यहाँ पे करा था जब इन खुला है तो मैं इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें करूँगी जैसे एम वाले बताऊँगी जैसे एम पॉसिबल पॉसिबल इम्पॉसिबल और ये जो सफिक्स हैं जो एक वर्ड्स के पहले लगते हैं ये इस तरीके से एक्चुअली ये जो वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं इन्हें बोला जाता है नेगेटिव प्रिफिक्स यू नो प्री मीन्स पहले फिक्स मीन्स लगना जो पहले लग जाए और ये कैसे हैं नेगेटिव प्रिफिक्स है ना तो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू कवर ऑल लॉर ऑफ थिंग्स बट टिल नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि जो लोगों यहाँ पे हैं और हमारा वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं वेबिनार क्या होता है वेबिनार एक्चुअली वेब के थ्रू सेमिनार किया जाता है और ज़ूम पर है ये और ये क्यों किया जाता है जब हम कोई किसी की मदद करते हैं लाइक वी वी टेल यू फाइव इफेक्टिव वेज घर पे बैठ के आप किस तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं So, this webinar is all about improving yourself, improving your communication skill, improving your way of talking, and improving your enhancing your confidence level. So, it is about that. So, do come part with the hair. इसी संडे को है एंड इम्पॉर्टेंटली जूम पर है ये हमारा शेड्यूल है दोज हु हैव नॉट टेकिंग द स्क्रीन शॉट प्लीज टेक इट एंड ट्राई टू बी देयर एज पर द शेड्यूल ओके टो वी हैव अ क्लास ऑन एग्जाम बॉक्स ये क्या है भाई ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है बंडल है सिक्स कोर्सेस का एक में विट इंग्लिश ब्लू प्रिंट बंडल यू नो दिस कोर्स इज अबाउट नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग यो इंग्लिश इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग अ थ्री सिक्सटी डिग्री चेंज इन योर माइंड सेट एंड योर पर्सनैलिटी हमें लगता है पर्सनैलिटी ये नहीं होती कि सूट बूट पहन के टाई शाई लगा के आप स्मार्ट बन गए पर्सनैलिटी वो होती है जब आपके माइंड में पॉजिटिव थाट्स होते हैं और आप कुछ सोसाइटी को देने लायक बनते हैं तो दिस कोर्स इज ऑल अबाउट इट यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्स यू कैन जस्ट सेंड आ रिक्वेस्ट ऑन नाइन सिक्स फोर एट थ्री नाइन सिक्स फोर एट थ्री क्योंकि हम इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और चीज़ें कराते हैं जिससे आपको इंग्लिश तो बोलनी आए लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े ठीक है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करिए और कल एग्जाम बॉक्स पर साढ़े छः बजे क्लास है उसको जरूर देखिएगा टिल देन बाय टेक केयर